8 महीने बचे नीट 2025 के अंदर, यदि आप टेस्ट लेट देंगे आपका रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा, सिंपल सी प्रॉब्लम है। और रिस्पांस टाइम कम होगा, लेट्स से आपने पढ़ लिए 11th का आधा पोर्शन, यदि आज आपको पता चल जाता है आपको वर्क एनर्जी पावर आता है या नहीं आता आपके पास 8 महीने फिक्स करने के लिए, यदि आपने टेस्ट देना चालू किया लेट उसके बाद उतना ही कम टाइम बचेगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। यदि मैं आपको टीचर्स डे पे एक मैसेज दे सकता हूँ वो ये है, डोंट डिले, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, आई पर्सनली थैंक एवरीवन, दिस इज वंडरफुल। आज 5 सितंबर है और नीट का एग्जाम अगले साल 4 मई को एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली 8 महीने बचते हैं। और मैं आप सब लोग को इस वाले वीडियो के थ्रू अगले 5 मिनट में कॉशन करना चाहता हूँ। आप में से काफी सारे लोग खुद को बहाना दे रहे हैं कि मैं इस वजह से उस वजह से रेडी नहीं हूँ, सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ, बाद में दूंगा, टेस्ट नहीं दे रहे। ये बहाना नहीं चलेगा। यदि आप सेम वो चीज़ पिछले साल जो की थी वही अभी करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप पढ़ते हैं 10 से 12 घंटे, कुछ जो समझदार लोग हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, पर यहां पे आते ही टेस्टिंग करते ही ना कुछ बहाना देके हम छोड़ देते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी ये कर रहा हूं, अभी वो कर रहा हूं, बैकलॉग चल रहा है। नहीं गाइस, आपको टाइम निकालना है टेस्टिंग देने के लिए, तरीका निकालो जिससे आप टेस्ट दे पाओ। मैं आपको बताऊंगा कि हम neetprep.com पे कैसे आपकी टेस्टिंग इनेबल करा रहे हैं, पर यदि आपको वो नहीं करनी कुछ और तरीका निकालो, बट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट। इसी वजह से मैं डेली आजकल रात को 10 बजे बेबी टेस्ट 40 क्वेश्चन का हफ्ते में 4 बार, मिनी टेस्ट 80 क्वेश्चन का हफ्ते में 2 बार, हर रोज 10 बजे आप लोग को करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस जंजाल में वापस ना फंसे कि जब परफेक्टली रेडी हो जाएंगे तभी टेस्ट देंगे। ये सोचते सोचते अप्रैल आ जाता है, फिर जो अप्रैल में गलतियां पता चलती हैं मॉक टेस्ट देने के बाद उनको फिक्स करने का टाइम नहीं बचता। तो ये चीज नहीं हो सकती है कि आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। टेस्टिंग, इसकी वजह से टेस्टिंग के आते ही मुंह बन जाता है। दूसरी बात सोचने की यह है कि क्या आप टेस्टिंग के बिना जान सकते हैं कि क्या रिवाइज करना है और क्या चीज आपको आती है। और यदि आपको नहीं पता कि क्या चीज आती है तो फिर क्या आप हर चीज को बार बार पढ़ेंगे, क्या उतना टाइम अवेलेबल है? नहीं है। तो यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड, यू कैन ओनली रिवाइज वॉट यू डोंट नो, एंड यू विल फाइंड आउट वॉट यू डोंट नो बाय राइटिंग मॉक टेस्ट। तो रीजन क्या है मॉक टेस्ट लिखने का, ये रहा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से पहले आप रिवीजन करते हैं जिससे आपका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर है, उसके बाद आपको उसका पोस्टमार्टम करते हैं और आपको पता चल जाता है आपके वीक एरियाज क्या है और इनको आप रिवाइज करते हैं। ये आपको पता नहीं चलेगा यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे। आपको लगेगा सिलेबस एक बार कर लूँ, दो बार कर लूँ, फिर टॉपर वीडियोज दिखाई देंगे, मैंने इतना बार पढ़ा था, उतने बार पढ़ा था। वो सब ज़रूरतें इस वजह से आती है जब आप मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट लिखेंगे सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करना है जिनमें आपके नंबर गड़बड़ हो रहे हैं, उन्हीं चीज पे ज्यादा टाइम देना है। दिस यू कैन नॉट फाइंड आउट इफ यू आर नॉट राइटिंग मॉक टेस्ट। और तीसरी चीज ऐसी मैंने आपको बोली, 8 महीने बचे हैं, 240 दिन, हो सकता है थोड़े कम हो क्योंकि फरवरी में थोड़े कम दिन होंगे। यदि आप लेट टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे क्या आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का? आपने शुभान सेन गुप्ता का वीडियो देखा होगा, AIR 1 है, हमारे यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, करीब 100 टेस्ट लिखे। शू के अंदर वो कहता है टेस्ट लिखने का पर्पस ये नहीं होता कि मेरा स्कोर कितना रहा है, शू के अंदर टेस्ट लिखने का सिर्फ ये पर्पस है कि हमें पता चले कहाँ पे हम वीक हैं, हमारे पास अभी रिस्पांस टाइम है। यदि आप इस समय से रेगुलर टेस्टिंग करना चालू करते हैं और उस रिस्पांस टाइम में आप अपने वीक एरिया फिक्स करेंगे, आपका जो अभी स्कोर आ रहा है वो इंप्रूव होना चालू हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए आपके दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। इस समय पर ऑप्शन क्लासरूम टेस्ट सीरीज का हमारे पास ये अवेलेबल है। आपका अगला क्लासरूम टेस्ट है 8 सितंबर को, 200 प्लस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया जहां पे जाके आप टेस्ट लिख सकते हैं, और फिर 22 सितंबर को एक ऑनलाइन टेस्ट है। ये दोनों बोनस टेस्ट है, ये आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी हर 15 दिन में। 29 सितंबर क्लास 12, फिर क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, हमने 11th और 12th को चार चार पार्ट में करके कर दिया, फिर 11th के दो पार्ट में, 12th के दो पार्ट में, फिर फुल 11, फुल 12, फुल 11, फुल 12, और उसके बाद फुल सिलेबस, एक ऑप्शन ये है। अब यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये मेरे एग्जैक्ट शेड्यूल से मैच नहीं कर रहा, दो चीज़ें,
कोई भी टेस्ट सीरीज आपके एग्जैक्ट शेड्यूल से मैच नहीं कर रही, पर यदि एग्जैक्ट शेड्यूल से मैच नहीं कर रहा तो यह बहाना नहीं हो सकता टेस्ट नहीं लिखने का। तो इसी वजह से एक और ऑप्शन जो हमारा ऑनलाइन में अवेलेबल है, यह जंबो टेस्ट सीरीज है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 200+ टेस्ट दिए, ये जो सारे आपको क्लासरूम टेस्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब ऑनलाइन फॉर्मेट में जंबो में अवेलेबल है। पर इंपॉर्टेंटली यहां पे जो लिखा है वो लाइव टेस्ट, यहां पे सारे चैप्टर वाइज टेस्ट एक तो ऑलरेडी डाल दिए, इन सबको जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट अटेम्प्ट दी चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही टेस्ट लिखेंगे, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट है, यू कैन राइट इट वेरी क्विकली, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कितनी चीजें याद है, कितनी चीजें भूल गए, कितनी चीजें क्लास में समझ में आई थी। अदरवाइज कैसे समझ में आएगा गाइस, बताओ कैसे समझ में आएगा। मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आता है, थ्योरी कर रहा हूं सर आपने कहा था, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा टेस्ट नहीं लिख रहे। मैं इमीडिएटली पूछता हूं क्या आप रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं, जवाब होता है नहीं सर। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट लिख लो, उसके बाद नीचे यहां पर यूनिट टेस्ट, सीटी, एमसीक्यू टेस्ट सब अवेलेबल है। पर यदि आप जिस भी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कुछ तो चैप्टर खत्म हो गए होंगे, जाके वो चैप्टर वाइज टेस्ट लिख लीजिए, आपको इमीडिएटली अपने सत्य का पता चल जाएगा। अदरवाइज आप एक खराब जिंदगी जी रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आएगी। जो लोग मेरे साथ रेगुलरली टेस्ट लिख रहे हैं रात को 10 बजे, उनका धीमे धीमे अपने आप इंप्रूवमेंट होना चालू है, क्योंकि हम जब जाके मैदान में खड़े होते हैं, जब बॉल बार बार बीट करती है तो समझ में आ जाता है बैट और पैड के बीच में डिस्टेंस है, वी ब्रिंग द बैट क्लोजर टू द पैड और चीज ठीक हो जाती है। सिमिलरली यहां पे आपको जब अपनी गलती का पता चलेगा, यू विल फिगर आउट वेज हाउ टू फिक्स इट। जब तक आप टेस्ट देंगे ही नहीं पता कैसे चलेगा। तो ये एक और ऑप्शन अवेलेबल है, इसका नाम है जंबो टेस्ट सीरीज, 200+ टेस्ट है। और अभी जैसे हमारे सारे कोर्सेज टीचर्स डे पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, नीचे लिंक है, वहां पे डिटेल भर दीजिए अपने, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। बट वापस सुन लीजिए मेरी बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 8 महीने बचे नीट 2025 के अंदर, यदि आप टेस्ट लेट देंगे आपका रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा, सिंपल सी प्रॉब्लम है। और रिस्पांस टाइम कम होगा यदि आज आपको पता चलता है, लेट से आपने पढ़ लिए 11th का आधा पोर्शन, यदि आज आपको पता चल जाता है आपको वर्क एनर्जी पावर आता है या नहीं आता आपके पास 8 महीने फिक्स करने के लिए, यदि आपने टेस्ट देना चालू किया लेट, उसके बाद उतना ही कम टाइम बचेगा। दैट इज वाई यू हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, That is why you have to start testing now. यदि मैं आपको टीचर्स डे पे एक मैसेज दे सकता हूं वो ये है, डोंट डिले, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप हर हालत में टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे यदि आपने टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की। और यदि आपने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, मुझे आप लोगों से प्रॉमिस चाहिए, आप कोई भी बहाना बना के टेस्ट मिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।